पॉलिटेक्निक गुरु में आपका स्वागत है। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सॉलिड हैंडलिंग सब्जेक्ट में आने वाले टॉपिक हैगन पॉइज़ली इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम एक स्ट्रॉ के जरिए किसी ग्लास में से जूस पीते हैं, तो अगर आपको स्ट्रॉ के अंदर किसी भी पॉइंट पर प्रेशर ड्रॉप पता करना हो तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ देखिए, मैंने एक ग्लास और स्ट्रॉ का एग्जाम्पल लिया हुआ है और इधर एक व्यक्ति है जो कि वो ग्लास में से स्ट्रॉ के जरिए जूस पी रहा है। तो अब हमारा कंसर्न ये है कि इस स्ट्रॉ में अगर आपको प्रेशर ड्रॉप पता करना हो डेल्टा पी, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे हैगन पॉइज़ली इक्वेशन। पहले हम जान लेते हैं हैगन पॉइज़ली इक्वेशन क्या होती है तथा उसके अंदर कौन कौन से टर्म्स आते हैं। ये होती है डेल्टा पी इक्वल्स टू 32 म्यू वी बार एल अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, आप जानते हैं म्यू क्या है, फ्लूइड विस्कोसिटी, एल क्या है लेंथ ऑफ ट्यूब, डी क्या है डायमीटर ऑफ ट्यूब, वी बार क्या है, ये है एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक, सारे टर्म्स आपको नोन होंगे, म्यू एल डी। केवल आपको ये वी वार टर्म जो है ये प्रॉब्लम करेगा, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी ज्ञात करने के लिए आपको रिमाइंड करना पड़ेगा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेंड्रिकल ट्यूब, उसको रिमाइंड करना पड़ेगा तथा इसके साथ साथ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के डेरिवेशन को भी रिमाइंड करना पड़ेगा। आइए देखते हैं एक बार कि वहां पर हमने क्या क्या एज्यूम किया था और उसकी सहायता से हम कैसे हैगन पॉइज़ली इक्वेशन या फिर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। आप पिछले लेक्चर से पूरे डेरिवेशन देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको यहां थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। वहां हमने क्या किया था, एक सिलेंड्रिकल ट्यूब मानी हुई थी कुछ इस तरह से, ये उसका सेंटर था, और इसके अंदर एक डिस्क मानी हुई थी जिसको हमने नाम दे दिया था ए बी सी डी। और जो इसका अपस्ट्रीम प्रेशर था वो पी माना था और जो डाउनस्ट्रीम प्रेशर था वो क्या था, पी प्लस डी पी। ठीक, इसके अंदर प्रेशर ड्रॉप कितना था, डी पी, और जो ट्यूब रेडियस था वो आर डब्ल्यू था, ट्यूब के सरफेस पे शियर स्ट्रेस टाउ डब्ल्यू था, डिस्क के सरफेस पे शियर स्ट्रेस टाउ था, ये सब माना था, और इसकी लेंथ हमने मानी हुई थी डी एल। तो जब हमने शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का डेरिवेशन किया था तो वहां हमने इस डिस्क के पर लगने वाले सारे प्रेशर फोर्सेस को बैलेंस किया था, वहां से हमने एक इक्वेशन ज्ञात की थी। तो वो प्रेशर क्या थे, जैसे माना कि अपस्ट्रीम पे प्रेशर क्या लगेगा, पी इंटू एरिया ऑफ द एंड ए बी, मतलब क्या होगा पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही पी प्लस डी पी पाई आर स्क्वायर जो कि सी डी एंड का है, और एक और था
टाउ इंटू टू पाई आर डी एल, ये है शियर फोर्स, ठीक है, बराबर क्या था जीरो। तो हमने इसको सिंपलीफाई भी किया था, ये कट जाएगा माइनस डी पी ओवर डी पी पाई आर स्क्वायर माइनस टाउ टू पाई आर डी एल, ठीक है, ये जो इसकी रेडियस है वो आर है। तो हमें क्या मिलेगा, डी पी पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू टू टाउ टू पाई आर डी एल, यहाँ से हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं, एक आर से एक आर कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें फाइनल जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी पी वाई डी एल, इसको इधर खिसका लो, टाउ के रेस्पेक्ट में आपको इक्वेशन मिल जाएगी, आर अपॉन टू, इधर क्या रह जाएगा टाउ, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमने ये निकाली थी इसमें, ठीक है, दूसरा हमने क्या किया था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाले डेरिवेशन में, वहां हमने डिस्क से ट्यूब बॉल तक की दूरी मान ली थी बाई, ठीक है, ये बाई क्या था, बाई इक्वल टू क्या था, आर डब्ल्यू माइनस आर, और इस आर डब्ल्यू को हमने जीरो कर दिया था क्योंकि ये सेंटर पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो आर डब्ल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, बाई इक्वल टू माइनस आर हो जाएगा, यहाँ से चेंज निकालेंगे तो डी वाई इक्वल टू माइनस डी आर हो जाएगा। अब देखिए जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या होता है, टाउ इक्वल टू म्यू डी वी ओवर डी वाई। अभी हमारे पास क्या है, ये देखिए ये बाई में बाई डिस्टेंस के टर्म में है। अब इसको हम क्या, क्योंकि हमारे पास सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो इसको हम क्या करेंगे, अब आर के रेस्पेक्ट में चेंज कर लेंगे जो कि हमें यहां से मिल जाएगा। तो अब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है इसमें डी वाई को हम रिप्लेस करेंगे माइनस डी आर से, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू माइनस म्यू डी वी ओवर डी आर। अब देखिए आपके पास टाउ की दो इक्वेशन आई हुई है, एक इक्वेशन तो आपकी ये है इसको ए बोल दो, एक इक्वेशन ये आई हुई है इसको वी बोल दो। अब दोनों ही टाउ के रेस्पेक्ट में है तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, तो चलिए इक्वेट करते हैं। तो ये आपको आएगा डी पी ओवर डी एल आर अपॉन टू इक्वल टू माइनस म्यू डी वी ओवर डी आर, ठीक, माइनस से माइनस आप काट दीजिए, तो अब जो टर्म आपके पास आएगा वो अब इसको डी वी के फॉर्म में ले लीजिए, जैसे इधर आर का टर्म है इधर डी आर है तो इसको हम एक साथ कर सकते हैं। तो देख लीजिए जो डी वी है ये क्या आएगा, डी वी इक्वल्स टू वन अपॉन टू, ये टू है म्यू, ठीक, डी पी ओवर डी एल, ये आपको पता ही है, चेंज इन प्रेशर चेंज इन लेंथ ऑफ द ट्यूब, रह क्या गया आर डी आर, ठीक है। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सी, ठीक। अब देखिए हमारे पास जो रेडियस है उसकी लिमिट है, वो लिमिट कहां से कहां तक जा रही है, ट्यूब बॉल से सेंटर की तरफ जा रही है, मतलब आर डब्ल्यू टू आर, हमारे पास लिमिट क्या आ गई है, आर डब्ल्यू टू आर। इस लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सी को इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन सी को आर डब्ल्यू टू आर इंटीग्रेट करने पर तो देखिए डी वी इक्वल्स टू वन अपॉन टू म्यू डी पी ओवर डी एल। अब लिमिट हमारे पास क्या है, आर डी आर है, और इसको हम करेंगे कहाँ से कहाँ तक, आर डब्ल्यू टू आर, तो वन अपॉन टू म्यू डी पी ओवर डी एल, ये आएगा आर स्क्वायर अपॉन टू आर डब्ल्यू टू आर, वन अपॉन टू म्यू
डी पी ओवर डी एल, अब ये हो जाएगा देखिए आर स्क्वायर अपॉन टू माइनस आर डब्ल्यू का स्क्वायर अपॉन टू। ठीक, यहाँ से आप टू बाहर ले लीजिए तो अब क्या आ जाएगा, ये फोर म्यू हो जाएगा, फोर म्यू डी पी वाई डी एल। अंदर क्या रह गया, ये रह गया, देखिए ये आई इक्वेशन आई है आपकी डी वी के लिए। ठीक है, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर डी। ठीक, अब बात करते हैं हम एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है q अपॉन a। ठीक है, ये जो q है वो क्या है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और जो a है वो क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं कि ये जो हमने लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्यू बाई ए, तो इसको हम क्यू की इक्वेशन फॉर्म करेंगे। पहले हम एरिया हमारे पास हो गई, तो पहले क्यू को फॉर्म करने में क्या करेंगे, इसका चेंज निकालेंगे, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वी इंटू एरिया। ठीक है, डी क्यू ओवर डी वी इंटू एरिया। अब देखिए इक्वेशन नंबर डी में आपके पास डी वी की वैल्यू है, तो हम यहां पर डी वी की वैल्यू लगा देते हैं, वो क्या है, वन अपॉन फोर म्यू डी पी ओवर डी एल आर स्क्वायर माइनस आर डब्ल्यू का स्क्वायर इंटू एरिया। अब आपके पास क्या होगा, पूरे डिस्क के लिए लगेगा, वो डिस्क ये वाली है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या वही लगाएंगे, टू पाई आर डी आर। ठीक है, क्या लगाएंगे, टू पाई आर डी आर। ठीक, तो अब देखिए जो टर्म्स आपके कट रहे हैं उनको काट दीजिए, जो टर्म्स आपके कट, जैसे इससे ये कट जाएगा और तो कुछ कट नहीं रहा है, तो फाइनल आपके पास रह क्या गया, इधर डी क्यू बराबर पाई अपॉन टू म्यू डी पी ओवर डीएल। अब इधर से देखो यहां पर आर है, इधर इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आर क्यूब माइनस आर आर डब्ल्यू का स्क्वायर, बाहर क्या रह जाएगा, डी आर। ठीक है, अब जो फ्लोरेट है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लोरेट है, इसके लिए लिमिट हम ले लेते हैं फ्रॉम जीरो टू क्यू और जीरो टू आर डब्ल्यू। मतलब यह है कि ये जो सेंटर है यहाँ से ये डिस्क की जब रेडियस बढ़नी शुरू होगी तो कहाँ तक जाएगी, ये बाउंड्री तक जाएगी, मतलब यहाँ पर फिर आपको क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, आर डब्ल्यू। तो ये जो है इस लिमिट के अंदर हम क्या करते हैं, जो इक्वेशन आपको मिली हुई है डी क्यू वाली, ये क्या है, डी क्यू इक्वल्स टू पाई अपॉन टू म्यू डी पी ओवर डी एल आर क्यूब माइनस आर आर डब्ल्यू का स्क्वायर डी आर। ठीक है, इसको हम इंटीग्रेट कर ले रहे हैं अपनी लिमिट में, तो ये क्या है, जीरो टू आर डब्ल्यू और ये जीरो टू क्यू। ठीक है, तो कुल मिला के ये आपके पास क्यू आ जाएगा और ये रह जाएगा पाई अपॉन टू म्यू डी पी ओवर डी एल। अब देखिए ये क्या आएगा, आर फोर पावर फोर अपॉन फोर माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन टू, और इधर से आर डब्ल्यू का स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है,
लिमिट आपकी वही है 0 टू आर डब्ल्यू। तो पाई अपॉन 2 म्यू डी पी ओवर डी एल। अब देखिए, मैं अगर यहाँ से 4 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बाहर आके मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा और यहाँ रह जाएगा आर 4 और ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, मतलब 2 आर स्क्वायर आर डब्ल्यू का स्क्वायर 0 टू आर डब्ल्यू। अब लिमिट लगा देते हैं, पाई अपॉन 8 म्यू डी पी ओवर डी एल, ये हो जाएगा आर डब्ल्यू की पावर 4 माइनस 2 आर डब्ल्यू का स्क्वायर, और आर डब्ल्यू का स्क्वायर आपका पहले से था, ठीक है। 0 लगाएंगे तो वो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो पाई अपॉन 8 म्यू डी पी ओवर डी एल, ठीक। यहां से आप देख लीजिए, ये टर्म भी आर की पावर 4 हो रहा है तो 2 में से 1 जाएगा, तो 1 बचेगा, मतलब क्या बचेगा, आर डब्ल्यू की पावर 4, वो भी किसका बचेगा, माइनस का। तो अब आपके पास क्या रह जाएगा, माइनस पाई अपॉन 8 म्यू डी पी ओवर डी एल आर डब्ल्यू की पावर 4, ठीक। ये आ गया आपके पास क्यू, क्यू क्या निकला, माइनस पाई अपॉन 8 म्यू डी पी ओवर डी एल आर डब्ल्यू की पावर 4। इस इक्वेशन को कह दीजिए आप ई, ठीक है। अब देखिए, हम वापस आते हैं वही एवरेज वेलोसिटी वाले रिलेशन पे। हमें क्या, हमने क्या देखा था कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, क्यू अपॉन ए है। तो हमारे पास क्यू की इक्वेशन है तो हम लिख लेंगे वो उसको, पाई अपॉन 8 म्यू डी पी ओवर डी एल आर डब्ल्यू की पावर 4, ठीक है, अपॉन। अब देखिए एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा अगर ट्यूब के लिए देखा जाए तो, क्योंकि फ्लो रेट आपका फ्लो कहाँ से करेगा, इधर से होगा ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही ये पाइप में एंटर होना शुरू होगा तो पहले ये वाला क्रॉस सेक्शन पड़ेगा इसका, ठीक है। इसके लिए एरिया क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, आर डब्ल्यू स्क्वायर से 2 पावर कट जाएंगे तो 2 रह जाएगा, ये आगे बचेगा क्या, माइनस 1 अपॉन 8 म्यू डी पी ओवर डी एल आर डब्ल्यू का स्क्वायर। ये आ गई एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। यही एवरेज वेलोसिटी की जो इक्वेशन है हम एज इट इज यूज करेंगे हैगन पॉइजली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए, ठीक है। तो अब जो हैगन पॉइजली इक्वेशन हमारी थी, क्या थी, देख लीजिए, स्टार्टिंग हमने यही था, डेल्टा पी इक्वल टू 32 म्यू बी वार एल अपॉन डी स्क्वायर। सारे टर्म्स हमारे पास थे लेकिन वी वार नहीं था, अब हमने बी वार भी निकाल लिया, बी वार बोले तो एवरेज वेलोसिटी, अब हमने वो भी निकाल लिया है, ठीक है। तो अब हम इसको बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। अब हैगन पॉइजली इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से एक सिलेंड्रिकल ट्यूब लेट करते हैं, मान लेते हैं, माना कि ये आपकी सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और इसको हमने 2 पॉइंट मान लिए इसमें, एक तो सेक्शन 1 है और एक सेक्शन 2 है, ठीक है। सेक्शन 1 पे हमने क्या किया है, प्रेशर P1 माना है, सेक्शन 2 पे हमने प्रेशर P2 माना है, मतलब ये हमारा अपस्ट्रीम है डायरेक्शन ऑफ फ्लो भी है, मतलब ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो। अब इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, जो पहला वाला सेक्शन माना था उसको माना हमने कि ये x1 डिस्टेंस पर है और दूसरा ये x2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। अब ये दोनों सेक्शन के बीच का डिस्टेंस क्या है, इसको मान लिया हमने l, ठीक है। तो
अगर फिगर को देखें तो क्या होगा कि जो एक्स टू माइनस एक्स वन है ये क्या है हमारे पास एल है, ठीक है, इसका हम यूज करेंगे बाद में, ठीक। तो अब हम वापस जाते हैं कहां पर, फ्रॉम इक्वेशन कौन सी थी, माने ई थी, तो इसको हमने एफ नाम आप दे सकते हो अपने हिसाब से। इक्वेशन जो एफ आई थी एवरेज वेलोसिटी वाली, फ्रॉम इक्वेशन जो एवरेज वेलोसिटी की इक्वेशन थी, तो वो क्या थी, वी बार यानी कि एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या निकली थी, माइनस वन अपॉन एट म्यू, एट म्यू डी पी ओवर डी एल आर डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हम इसमें करते क्या है, हमें क्या करना है, प्रेशर ड्रॉप ज्ञात करना है। तो इन दोनों टर्म्स को डी पी और डी एल को हम एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे कि अगर डी पी निकालें तो क्या होगा, माइनस डी पी बराबर। अब देखिए ये एट म्यू वाला टर्म इधर आ जाएगा और साथ में डी एल वाला टर्म भी चला जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर डब्ल्यू का स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, एट म्यू वी वार, ठीक, अपॉन आर डब्ल्यू का स्क्वायर और इधर क्या आ गया, डी एल, ठीक है। तो हमारे पास देखिए फिगर, प्रेशर की लिमिट क्या है, फ्रॉम पी वन टू पी टू, और जो डिस्टेंस है उसकी लिमिट क्या, कहां से कहां तक है, एक्स वन टू एक्स टू, ठीक है, कहां से कहां तक है, एक्स वन टू एक्स टू। तो जो लिमिट हम लेंगे प्रेशर के लिए क्या लेंगे, पी वन टू पी टू, और जो डिस्टेंस है उसके लिए क्या, कहां से लेंगे, एक्स वन टू एक्स टू। इसी लिमिट में हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन डी पी पी वन टू पी टू इक्वल्स टू एट म्यू वी वार अपॉन आर डब्ल्यू का स्क्वायर डी एल, और ये कहां से कहां तक, एक्स वन टू एक्स टू, ठीक है, सिंपल सिंपल टर्म है। तो ये इंटीग्रेट होकर रह जाएगा, पी माइनस बाहर है, लिमिट वही है पी वन टू पी टू, इधर से एट म्यू वी वार अपॉन आर डब्ल्यू का स्क्वायर, यहां से आ जाएगा एल और ये एक्स वन टू एक्स टू, ठीक है। तो लिमिट लगा लीजिए, ये हो जाएगा पी टू माइनस पी टू माइनस पी वन इक्वल्स टू एट म्यू वी वार अपॉन आर डब्ल्यू का स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। अब देखिए एक्स टू माइनस एक्स वन हमने यहां माना था, क्या क्या निकला था डिस्टेंस, ये एल निकला था, ठीक है, तो इसकी जगह एल लगा देंगे और ये जो ये आएगा ये एक्चुअल में माइनस साइन एडजस्ट होके क्या निकलेगा, पी वन माइनस पी टू, ठीक है। तो अब ये रह जाएगा एट म्यू वी वार एल अपॉन आर डब्ल्यू का स्क्वायर, ये इसको हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा पी कह सकते हैं, ठीक है, डेल्टा पी इक्वल्स टू एट म्यू वी वार एल अपॉन आर डब्ल्यू का स्क्वायर, ठीक है, या चाहो तो लिख लीजिए, चूंकि पी वन माइनस पी टू ये क्या होगा, डेल्टा पी, और जो एक्स टू माइनस एक्स वन है ये क्या है, एल है, ठीक। अब आप देखिए अगर ट्यूब की रेडियस कितनी हो, आर डब्ल्यू, तो हम इसका डायमीटर मान लेते हैं कितना, डी, क्या मान लेते हैं, डी, ठीक है, मतलब जो आर डब्ल्यू है ये क्या होगा, डी वाई टू हो जाएगा, होता ही है। तो अब आपको मिलेगा डेल्टा पी एट म्यू वी वार एल अपॉन डी अपॉन टू का स्क्वायर,
स्क्वायर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 म्यू वी वार एल अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4, 4 को ऊपर भेज दीजिए, तो डेल्टा पी इक्वल्स टू 32 म्यू वी वार एल अपॉन डी स्क्वायर। फाइनली आपको एगन पॉइजली इक्वेशन ड्राइव होकर मिल गई है, यहां लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक, इसकी जो कंडीशंस है, कंडीशंस क्या है, जैसे इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल फ्लूड होना चाहिए, दूसरा न्यूटोनियन फ्लूड होना चाहिए, तीसरा लैमिनार फ्लो होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। इसकी थ्योरी देख लीजिए आप, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। इसमें मैंने मेंशन कर दिया है कि जो नॉन आइडियल फ्लूड डायनेमिक्स है उसमें एगन पॉइज़ली इक्वेशन को एगन पॉइज़ली लॉ भी कहते हैं, और ये एक फिजिकल लॉ है जिसको हम सिलेंड्रिकल ट्यूब में प्रेशर ड्रॉप ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसमें से देख के आप अच्छे से लिख लेना इसको। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा ये। अब आप देख लीजिए, स्टार्टिंग में मैंने एक एग्जांपल लिया था ये वाला, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हम इस स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर ड्रॉप ज्ञात करना चाहें तो हम एगन पॉइज़ली इक्वेशन से ज्ञात कर सकते हैं। अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी जूस पिए स्ट्रॉ से या कोल्ड ड्रिंक पिए, तो वहां से आप ये देख सकते हैं कि स्ट्रॉ के अंदर प्रेशर ड्रॉप अगर ज्ञात करना हो तो आप एगन पॉइज़ली से ही ज्ञात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुश रहिए, मस्त रहिए, आवाज रहिए, धन्यवाद।